नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारी YouTube चैनल सुनी टेक एंड एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस SC AWO और TPO के एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में और एडमिट कार्ड आप किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे, इनका सारा का सारा डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, पिछले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें ईस्टर्न रीजन का खास करके मैंने पर्सनली बताया था, और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप ऑल रीजन का, आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो या फिर किसी भी रीजन से आप अपने एप्लीकेशन को अप्लाई किए हो, आप अपने एडमिट कार्ड को किस प्रकार से डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चेकआउट कर सकते हैं, इस वीडियो में फुली प्रोसेस बताया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी पूरी वीडियो देखें ताकि इस वीडियो में गया पूरी पूरी नॉलेज आपको समझ में आ सके। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में लिखना है alljobforyou.com। दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे, ऑल जॉब फॉर यू के ऑफिशियली पेज इस प्रकार से खुल के आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको तीन सेक्शन देखने को मिल जाएगी। पहला सेक्शन जो व्हाट्स न्यू है, दूसरा है एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड में आपको आ जाना है। और यहाँ पर पहले ही आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस SC AWO TPO एडमिट कार्ड 2022, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे, ऑल जॉब फॉर यू के यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन वाले पेज आ जाएगी। यहाँ पर आपको AWO और TPO के कुछ नोटिस मिल जाएगा। यहाँ पर चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस SC AWO TPO रीजन एंड स्टेट नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको रीजन नेम देखने को मिलती है, उसके बाद स्टेट नेम देखने को मिलती है, और उसके बाद डायरेक्ट लिंक जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का या फिर एप्लीकेशन स्टेटस देखने का, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इसमें दोस्तों, अगर आपको रीजन नेम नहीं पता है, आप कौन से रीजन से अपने एप्लीकेशन को अप्लाई किया था या फिर आपके रीजन कौन सा है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं अपने स्टेट नेम से। जैसे कि दोस्तों, कर्नाटका का, यहां पर कर्नाटका का अगर आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं तो आपका KKR रीजन होगा। अगर आप दिल्ली, राजस्थान या फिर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपका नॉर्थ रीजन होगा। और यहां पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश और पांडुचेरी तमिलनाडु, तो यहां पर देख सकते हैं उनके साउथर्न रीजन होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने रीजन को पता कर सकते हैं और उसी रीजन से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन से रीजन का अभी तक लिंक एक्टिवेट हुआ है और कौन से रीजन का एक्टिवेट नहीं हुआ है। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले जो अवेलेबल नाउ दिखा रहा है, अवेलेबल नाउ जिनका दिखा रहा है, जिन रीजन का दिखा रहा है, उनका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। अपने एप्लीकेशन स्टेटस को आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी यहां पर जैसे कि देख सकते हैं नॉर्थन रीजन का, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड वालों का अवेलेबल सुन बता रहा है, यानी इनका आया नहीं है और लिंक एक्टिवेट हुआ नहीं है। तो लिंक एक्टिवेट हो सकता है कि इवनिंग टाइम तक हो जाए या फिर आपके कल तक हो जाए। तो दोस्तों, आपको चेकआउट करते रहना है, और जिनका अवेलेबल नाउ दिखा रहा है उनका अवेलेबल हो चुका है, लिंक एक्टिवेट हो चुका है, वो अभी अपना एप्लीकेशन स्टेटस को आसानी से चेक कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए KKR रीजन से अगर बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें क्लिक कर लेना है अवेलेबल नाउ में। अवेलेबल नाउ में क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस प्रकार से आपको इंटरफेस होगा। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पर छोटे से एक डिब्बा दिखा रहा है, इसमें आपको क्लिक करके चेक एग्जामिनेशन स्टेटस आपको क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको पूरी की पूरी डेटा शो होने लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मेरा KKR रीजन का किसी का डेटा अवेलेबल नहीं है मेरे पास, इसलिए चेकआउट उसका कर नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं दूसरा रीजन का दिखाता हूँ। यहाँ पर उसी प्रकार से साउथर्न रीजन का भी आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको उस पेज में ले जाएगा, सेक्शन वाले पेज में, जहाँ की आप रजिस्ट्रेशन ID और डेट ऑफ बर्थ से आप चेक कर पाएंगे। दोस्तों, सभी रीजन का सेम प्रोसेस है एडमिट कार्ड चेक करने का। और मैं बता दूँ कि एडमिट कार्ड आपके एग्जाम डेट के 4 दिन पहले डाउनलोड होता है। दोस्तों, एग्जामिनेशन स्टेटस आपको पहले ही दिख जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम डेट, सपोज आप मान लीजिए कि आपका एग्जाम 30 को है, 30 अक्टूबर को है, तो यहाँ पर आपके 27 को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड अवेलेबल हो जाएगा, यानी 27 को आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने एक नॉर्थ रीजन का मेरे पास डाटा है, तो नॉर्थ रीजन वालों के लिए किस प्रकार से डाउनलोड करना है देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिंक में क्लिक करना है अपने नॉर्थ रीजन का, और यहाँ पर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको चेक टू नाउ द स्टेटस एंड एडमिट कार्ड, इसमें क्लिक करने के बाद आपका स्टेटस शो होने लग जाएगा या फिर एडमिट कार्ड भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से भी आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट नेम। दोस्तों, अगर आपके पास दोनों ही नहीं है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, तो यहाँ से कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए मैं रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ द्वारा अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करके दिखाता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपके कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, उनके जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम डेट और रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम टाइमिंग है, यहाँ पर आपको टाइमिंग दिख जाएगा, एग्जामिनेशन सिटी। और दोस्तों लास्ट में जो है आप देख सकते हैं, एडमिट कार्ड के लिए आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जैसे कि एक्सेप्टेड लिखा हुआ है। तो आप को भी जानना है कि अगर आपका एक्सेप्टेड लिखा रहा है मतलब कि आपका एक्सेप्ट है, अगर यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ नहीं रहेगा और अगर रिजेक्ट रहेगा तो आपको रिजेक्ट रीजन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एग्जामिनेशन डेट के 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इनका जो एग्ज़ाम डेट है 27/10/2022 को है। ठीक है, तो 27/10/2022 के 4 दिन पहले आपका हो रहा है 23/10/2022। तो यहाँ देख सकते हैं, डाउनलोड योर ई एडमिट कार्ड फॉर्म्स 23/10/2022। ठीक है, तो 23/10/2022 को आप अपने एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड के लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, अपने एप्लीकेशन स्टेटस को किस प्रकार से चेक कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल के वाले बटन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।